राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लगता है अभी भी सब कुछ सामान्य नहीं हुआ है। पायलट को सरकार में पद देने के लिए अभी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन ऐलान नहीं हुआ है। इसी बीच उन्होंने सीएम गहलोत को एक चिट्ठी लिख दी है जो राजस्थान सरकार की चिंता बढ़ाएगी। तो सचिन पायलट ने चिट्ठी में क्या कही बात, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में बमुश्किल गहलोत की सरकार को संभाला गया था। सचिन पायलट ने ऐसे रुख अख्तियार किए थे कि उन्हें मनाना आसान नहीं था, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दखल के बाद वो गहलोत का साथ देने को राजी हो गए। मगर अब भी उनके साथ पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें अब तक कोई पद नहीं दिया है। हालांकि अजय माकन लगातार उनसे बातचीत कर मांगे पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच पायलट ने गहलोत को एक खत लिख दिया है। उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग की जातियों के युवाओं को सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण देने की मांग की है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि विधानसभा चुनाव 2018 के घोषणा पत्र में MBC के लिए 5% आरक्षण देने का वायदा किया गया था, लेकिन मुझे ये बताया गया कि रीट भर्ती 2018, पंचायती राज LDC भर्ती 2013, टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2018, नर्सिंग भर्ती 2013, आशा सुपरवाइजर भर्ती 2016, कमर्शियल असिस्टेंट भर्ती 2018 में MBC से जुड़ी जातियों को 5% आरक्षण अब तक नहीं दिया गया है, जबकि इस आरक्षण को देने के लिए सरकार ने प्रतिनिधियों से समझौता भी किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने देव नारायण बोर्ड और देव नारायण योजना के अंतर्गत आने वाले विकास कार्यों के ठप होने पर भी नाराजगी व्यक्त की। पायलट ने सीएम गहलोत को बताया कि समय समय पर लोग मुझसे मिलते हैं और इन दोनों योजनाओं को बजट देकर उचित ढंग से क्रियान्वित करने की मांग करते हैं। पायलट ने पत्र में आग्रह किया कि मेरे द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। पायलट की चिट्ठी गहलोत की चिंता बढ़ा सकती है। अगर वो मांगे नहीं मानते तो पायलट फिर से दूर जा सकते हैं। अब देखना होगा कि गहलोत क्या फैसला लेते हैं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।